देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। केंद्र में मोदी सरकार 3.0 के कार्यभार संभालते ही देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चौतरफा मजबूती के संकेत मिलने लगे हैं। जीडीपी विकास दर, रोजगार, शेयर बाजार, महंगाई, हर मोर्चे पर अच्छी खबरें आ रही हैं, तो आगे के लिए तस्वीर और बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ दो विशेषज्ञ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कुछ रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 6.6% पर बरकरार रखा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहेगी। बैंक का कहना है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के ग्रोथ रेट अनुमान में 1.2% का इजाफा करते हुए कहा था कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का ग्रोथ रेट 7.5% रहेगी, जबकि पहले इसके 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया था। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट नाम की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही। साथ ही घरेलू मांग भी वित्त वर्ष 2024 में शानदार बनी रही। निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छा काम हुआ है, जहां महंगाई दर सितंबर 2023 के बाद से 2 से लेकर 6% के दायरे में बनी रही। वर्ल्ड बैंक ने आगे कहा कि ग्लोबल ग्रोथ 2024 में 2.6% रहेगी, जबकि 2025-26 में इसके 2.7% रहने का अनुमान है। तो ये तो बात हुई जीडीपी के विकास दर की। अब बात करते हैं शेयर बाजार किस तरह से बम बम कर रहा है। वैश्विक बाजारों की नरमी के बीच भी भारतीय शेयर बाजार ने केंद्र में मोदी 3.0 सरकार के मंत्रियों के कार्यभार संभालने के दौरान बुधवार को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 159 अंक की बढ़त के साथ 76,616 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी भी 60 अंक की बढ़त के साथ 23,325 के स्तर पर खुला। कारोबार के दौरान ऐसा वक्त एक बार आया जब सेंसेक्स फिर से नया रिकॉर्ड बनाते हुए 77,000 के आंकड़े के पार निकल गया। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 476 अंकों की बढ़त के साथ 76,933 के स्तर पर और निफ्टी 146 अंकों की बढ़त के साथ 23,411 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, और उसके बाद बाजार बंद भी हुए। और इस समय जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उसके बाद से सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने नए हाई बनाने शुरू कर दिए हैं। ओवरऑल अगर इस समय मार्केट का कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादातर स्टॉक्स में नए हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं, और पीएसयू, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, पावर ऐसे सेक्टर हैं जो कि टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। फिलहाल अभी निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए तो जल्द ही निफ्टी 23,500 के जादुई आंकड़े को छू सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो वो भी इस समय अपने हाई पर चल रहा है, और जिस हिसाब से वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जल्द ही 80,000 के आंकड़े को यहां पर सेंसेक्स छूता हुआ नजर आ सकता है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में चौतरफा बाइंग देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं से जो मंदी के संकेत थे वो बादल यहां पर छटते हुए नजर आ रहे हैं। तो शेयर बाजार बुलंदी पर है और रोजगार को लेकर भी अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। पीएचजी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक भारत में साल 2030 तक 10 करोड़ से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इस दौरान जीडीपी में 3.3 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त देखने को मिलेगी। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों के एजेंडे के लिए पीएचडी चैंबर की ओर से 10 महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए गए हैं। इनमें रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग में दोहरे अंक में वृद्धि, निर्यात को मजबूत करना, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को मजबूत बनाने के लिए नीति बनाना, बढ़ती महंगाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे शामिल हैं।
और इस बीच भारत विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उद्योगों से लेकर स्टार्टअप तक। भारत की अर्थव्यवस्था हर मंच पर सकारात्मक संकेत दिखा रही है। हाल ही में आई मैन पावर ग्रुप की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इस प्रगति का समर्थन करती है। इस वित्त वर्ष की जुलाई से लेकर सितंबर तिमाही के लिए शुद्ध रोजगार आउटलुक में 30% अंक की वृद्धि के साथ भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोजगार के अनुकूल अवसर प्रस्तुत करने के मामले में छठे स्थान पर रहा। मैन पावर ग्रुप सर्वेक्षण के अनुसार यह आंकड़ा वैश्विक औसत से 8 अंक ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 8.2% विकास दर और आर्थिक लचीलेपन से बाजार में नई नौकरियों की उम्मीद जगती है। आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी रोजगार में और वृद्धि होगी और नई आर्थिक गतिविधियों से भारत की स्थिति और मजबूत होने वाली है। और अब बात महंगाई की भी कर लेते हैं। महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आई है। खुदरा महंगाई दर गिर के 4.5% हो गई है, जो एक साल में सबसे कम है। खुदरा महंगाई दर के ताजा आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। NSO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में खुदरा महंगाई 4.5% रही, जबकि अप्रैल में ये 4.81% पर थी। तो इन तमाम मुद्दों पर कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में चौतरफा मजबूती के संकेत दिख रहे हैं, इस पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी मैं परिचय आपका करा दूं। शिशिर सिन्हा हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शिशिर आपका इस चर्चा में। और साथ ही हमारे साथ और एक विशेषज्ञ मेहमान PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ गए हैं, कार्यकारी निदेशक PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हमारे साथ डॉक्टर रणजीत मेहता जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PhD CCI। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रणजीत मेहता जी आपका भी। आप दोनों के पास आऊंगा और जो ये चौतरफा संकेत मिल रहे हैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस। क्यूरियस अबाउट दिस प्लेस, स्कैन दिस QR कोड बिफोर आई टेक इट ऑफ विद माई Seat टायर्स। Crafted for the curious. Ghutna, kandha ya kamar, chahe jaisa ho dard, Dr. Ortho aapko deta hai dard se puri azadi. Ye koi temporary painkiller nahi, Ayurvedic aushadhi hai. Sir, aap bahut lucky hai ki aapke bete ne health insurance aur baaki sari formalities time se puri kar di hai. Mera beta? To phir aap? Policy Bazaar. Claim ke time pe hamesha aapki help ko tayyar. Policy Bazaar. 1 crore ka health insurance sirf 390 rupaye mahine se shuru. Main kya ji, sab jante hain. जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जो चौतरफा मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पहले डॉक्टर रणजीत मेहता जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से अभी अगर जो PhD CCI का मैं देख रहा हूं उनकी रिपोर्ट, तो दो हाईलाइट मुझे इसमें दिखाई पड़ रही है। पहली बात कि 2030 तक 10 करोड़ नई नौकरियां, इसका अनुमान आपने लगाया है। और दूसरी बात कि इसी दौरान $3.3 trillion अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट का, इस अनुमान का आधार जो PhD CCI ने लगाया है, क्या आधार है? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने इससे पहले रिपोर्ट दिखाई, जब से NDA गवर्नमेंट, मोदी सरकार यहाँ पे आई है, देश में एक नया जोश और पूरी अर्थव्यवस्था में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो PhD CCI ने सबसे पहले बोला है कि बाय 2030 तक
10 करोड़ नौकरियां हमारी इकोनॉमी में संभावित तरीके से हो सकती हैं। इसमें यह हमारे देश में जो एमएसएमईज हैं, हमारे देश में एमएसएमईज की जो संख्या है वो करीब 6.5 करोड़ है। हमें मानते हैं कि अगर हर एमएसएमई अगर एक जॉब क्रिएट करेगा तो उसमें 6.5 करोड़ जॉब हमने यहाँ से अनुमान लगाया है। और दूसरा जो है ये हमारा जो ये जैसे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप है और जो एनजीओ सेक्टर है, इससे करीब 2 करोड़ जॉब आने की संभावनाएं हैं। और जो लार्ज हमारे बिजनेस हाउसेज हैं, लार्ज बिजनेस हाउसेज से भी एक तरीके से करीब 2 से 2.5 करोड़ जॉब यहाँ से प्रोड्यूस होने की संभावना है। और गवर्नमेंट सेक्टर में करीब 15 से 20 लाख नौकरियां, इस बीच हमने ये आंकड़ा दिया है, ये हमारा इसका बेसिस है। ठीक है। और दूसरी बात ये है जो हमने इसमें जो कई बिंदु दिए हैं कि जो इकोनॉमी किस तरीके से 3.3 ट्रिलियन डॉलर पे जाएगी इस बीच में, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी डबल डिजिट की ग्रोथ आने की संभावनाएं हैं, जिस तरीके से पीएलआई स्कीम है, गवर्नमेंट का पुश है, और जिस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम इस टाइम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नई कंपनियां और जिस तरीके से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो हमारा ये अनुमान है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ होगी। मैं लौटता हूं जी, लौटता हूं आपके पास। मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। और तीसरा, जो हमारी जो इकोनॉमी है अब एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की तरफ जा रही है। ठीक ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। है कि गवर्नमेंट का ये भी टारगेट है 2 ट्रिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करेंगे बाय 2030, तो इसलिए एक्सपोर्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा और इस दिशा में गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं और बाकी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा शिशिर के पास से लौट करके। शिशिर, वर्ल्ड बैंक ने भी जो अपनी रिपोर्ट में बताई है जो जीडीपी ग्रोथ को लेकर के किया है, या फिर शेयर बाजार बम है। शिशिर, हम देख रहे हैं शेयर बाजार की प्रतिक्रिया, हमने देखा था जब जिन दिनों लोकसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही थी तो थोड़ा नीचे भी गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ें जुड़ती हुई नज़र आती हैं कि क्या नई सरकार को, मोदी सरकार 3.0 को अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर ने हाथों हाथ लिया है क्या, और शेयर बाजार में ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देने लगा है। देखिए लालचंद, पहले आपको ये समझना होगा कि शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है, नब्ज भी कहा जाता है। और नब्ज कहे जाने के पीछे इसके पीछे सोच क्या है कि जब आप देखते हैं कि सरकार में एक निरंतरता, जिसको कंटिन्यूटी कहते हैं, आप अगर की इकोनॉमिक पोर्टफोलियोज देखें जो आर्थिक मंत्रालय है उसमें वही मंत्री हैं जो पहले थे, एक दो मंत्रालय को आप छोड़ दीजिए तो लगभग वही मंत्री हैं। तो इससे एक उम्मीद ये बनी है कि नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी और नीतियों में कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि एक जब गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतियों में या कड़े फैसले लेने में कोई कमजोरी दिखाई देगी, वो दिखाई नहीं दे रहा। और तीसरी बात यह है कि जब तमाम एजेंसियां, चाहे आप वर्ल्ड बैंक की बात कर लें या इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लें या स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात कर लें, खासतौर पर मैं स्टैंडर्ड एंड पुअर का जिक्र करना चाहूंगा, जिसने 10 वर्षों के बाद भारत का आउटलुक जो था वो स्टेबल से पॉजिटिव किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 वर्ष के भीतर अगर स्थितियां हमारे अनुकूल रही तो हमारी रेटिंग में एक सुधार मिल सकता है जो विश्व स्तर पर हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक होगा। तो ये वो पहलू है जिसको शेयर बाजार ने महसूस किया है। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि शेयर बाजार वर्तमान में कम जीता है, भविष्य पे ज्यादा खेलता है। तो जब भविष्य खेलता है उसको लग रहा है कि नीतियों में स्थायित्व है, निरंतरता है, और जो बजट, पूर्ण बजट आने वाला है उसमें हम कुछ और फैसले देखेंगे। और आज अगर आप वित्त मंत्री के बयान को देखें जहां पे उन्होंने ईज ऑफ लिविंग को आसान बनाने की बात और विकसित भारत के लिए जो योजनाएं हैं उसको और मजबूती से आगे बढ़ाने की बात कही है, इन सभी चीजों को शेयर बाजार ने एक सकारात्मक तरीके से देखा है जिसका असर आपको सेंसेक्स और निफ्टी में दिखता है। मैं बाकी पहलुओं पर भी आपसे आऊंगा जरूर, शेयर बाजार पर तो हमने आपसे, आपके साथ विस्तार से बात की ही है, और भी बाकी पहलुओं पर आऊंगा। डॉक्टर रंजीत मेहता जी के पास चलते हैं। डॉक्टर मेहता, जो आंकड़े आपने दिए हैं उसमें कम से कम ये बात तो बिल्कुल दिखाई पड़ रही है
कि आगे के लिए जो युवा हैं खास तौर पर उन युवाओं के लिए एक सुनहरी तस्वीर बन रही है रोजगार के मामले में जो डेटा आपने दिया है, और दूसरी बात ये कि ये जो 3.3 trillion dollar अर्थव्यवस्था अगले 5-6 सालों में आपका अनुमान है कि बढ़ जाएगी, तो ये जो भारत की रैंकिंग है इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना डालेंगे, इसमें इस 3.3 trillion dollar का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है क्या? बिल्कुल, जो मैं समझता हूँ जो भारत जो है नेक्स्ट करीब 2 साल के अंदर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम है, जिस तरीके से गवर्नमेंट में स्थिरता है, जिस तरीके से एक सकारात्मक सोच के साथ हमारी सरकार चल रही है, पूरी इंडस्ट्री चल रही है जी, और जो हमारे टारगेट्स हैं, जिस तरीके से हमारा एक विजन है कि बाय 2030 हम 2 trillion dollar सिर्फ एक्सपोर्ट से जनरेट करेंगे, और जो हमारा फोकस है फार्म सेक्टर में, आज क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेफिनेटली ग्रो करना है, उसके साथ साथ जो फार्म सेक्टर है, आज हमारे देश की करीब 45% लोग जो है फार्म सेक्टर में इन्वॉल्व है, जबकि फार्म सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है इकोनॉमी में, तो इसको हमें बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम सरकार ने लिए हैं, और इस दिशा में जो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें कि सड़कें हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आप 100 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं इसको, इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट 2.5 गुना जो है इकोनॉमी में पड़ता है। और हमने एक बात अगर ध्यान से देखें 2014 के और 2024 तक जो मोदी सरकार का एक खास जो फोकस रहा है, एक जो खास जो इनका केंद्र बिंदु है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी सबसे पहला जो स्ट्रेस पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़ता है। आज जो बाहर से हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं वो देखते हैं कि देश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमने फील किया कि कोविड के टाइम में किस तरीके से दुनिया में एक सप्लाई चेन हॉल्ट पे आ गई थी, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक विकसित भारत की परिकल्पना यहाँ पे कर रहे हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। और तीसरी जो मैं समझता हूँ, और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट बात है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि इस टाइम जो हमारे यहाँ सेक्स रेशियो है वो भी अगर आप देखें 1000 से 1020 के करीब वुमेन है तो 1000 करीब मेल है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं क्योंकि वुमेन जो है हमारी वर्कफोर्स का एक बिल्कुल और अब उस दिशा में काफी काम होगा। मैं लौटता हूं आपके पास लौटूंगा, और हमारे साथ यहां स्टूडियो में एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर चरण सिंह जी जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, साथ में सीईओ हैं एग्रो के। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मैं आपके पास आऊंगा और शिशिर के पास भी आऊंगा और आपके पास भी आऊंगा, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौट करके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस। क्यूरियस अबाउट दिस प्लेस, स्कैन दिस QR कोड बिफोर आई टेक इट ऑफ विद माई सिएट टायर्स। सिएट क्राफ्टेड फॉर द क्यूरियस। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है, टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब भाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP? म्यूचुअल फंड्स में SIP, अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
स्वागत। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में चौतरफा मजबूती के संकेत पर। मैं इस समय डॉक्टर चरण सिंह जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनके पास आता हूं। डॉक्टर चरण सिंह, जैसा कि हम देख रहे हैं चाहे जीडीपी विकास दर हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शेयर बाजार हो, हर जगह से संकेत अच्छे मिल रहे हैं, चौतरफा अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ये मोदी सरकार 3.0 के लिए, देश के युवाओं के लिए, पूरे देश के लिए एक कुल मिलाकर बहुत अच्छी तस्वीर बना रहा है भविष्य की। इसमें कोई दोराय ही नहीं है। अब देखिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपने आंकड़े निकाले हैं, उससे पिछले हफ्ते 8.2% का आंकड़ा सरकार का ग्रोथ का आया था, पर अभी अभी रिजर्व बैंक ने इस हफ्ते आंकड़े निकाले हैं और 7% से ऊपर हमारी ग्रोथ होने का अगले साल में प्रोजेक्शन है और इन्फ्लेशन 4.5-5% के बीच रहेगा। हाँ, अभी तुरंत ही, मतलब कुछ ही देर पहले ये डेटा आया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में जो बाकी के देश हैं उनमें ग्रोथ रेट 3% के आसपास चल रही है, हम लोग 7% अनुमान है, पर मेरा विश्वास है जैसे पिछली बार हमने 8.2 निकाला है, इस बार हम 8 से ऊपर जाएंगे। उसका एक मूल कारण यह है कि स्टेबिलिटी पॉलिसी की रहेगी, नीतियां वही रहेंगी क्योंकि सरकार वही आ गई और मंत्रिमंडल में भी ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हैं जैसे फाइनेंस है वो भी सेम मंत्री के हाथ में। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसकी जो नीतियां स्थायी हैं और जो आंकड़े मिल रहे हैं, जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं, वो भी बड़ी स्ट्रांग है। ऊपर से और भी आप देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $651 बिलियन चल, बिल्कुल 11 महीने का इंपोर्ट कवर है। सबसे बड़ी बात, रिजर्व बैंक ने पहली बार अगले 25 साल का एक प्लान बना के रख दिया है सामने जी। उसमें उन्होंने कहा हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी पे जोर डालेंगे, कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन करेंगे, यूपीआई को ग्लोबलाइज करेंगे। तो एक साफ सामने दिशा दिख रही है किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट हो, हमारी रेटिंग हो, हमारी इकोनॉमी हो, इसमें उमंग आनी ही आनी है। ये बिल्कुल साफ संकेत मिल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आप सब लोग कह रहे हैं कि स्थायित्व से जुड़ा हुआ। शिशिर, अगर हम इन सब चीज़ों को देखें जिसका जिक्र डॉक्टर रंजीत मेहता भी कर रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसमें तो फिर ये बात भी आती है कि अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और थोड़ा अनुकूल होकर के योगदान दे दे तो जो डेटा डॉक्टर रंजीत मेहता दे रहे हैं उस डेटा में और सुधार हो सकता है। आप जरा अनम्यूट कीजिए शिशिर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ लालचंद, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जब डॉक्टर चरण सिंह सर बैठे हुए हो तो मेरे लिए अर्थशास्त्री कहना उचित नहीं होगा, आप मुझे अर्थशास्त्र का छात्र कह सकते हैं। ये आपकी विनम्रता है बिल्कुल, जिसको कि सब लोग पसंद करें। अपने आप को सर के सामने तो बिल्कुल अर्थशास्त्री कह ही नहीं सकता। जी जी जी, जो आपने मूल सवाल पूछा, देखिए इस समय हमारे लिए एक अच्छी खबर यह है कि मॉनसून सामान्य रहने की बात है और ये कृषि के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी जब मॉनसून सामान्य है। एक ही चिंता बस है कि ये जो हीट वेव्स है, यानी कि जो गर्मी हम ज्यादा देख रहे हैं, इसका किस हद तक असर पड़ सकता है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। दूसरी चिंता की बात ये भी है कि वैश्विक स्तर पर जो जिसको कहते हैं ना भूभौतिकी तनाव, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो थोड़ा सा हमारे लिए एक चिंता पैदा कर सकता है कच्चे तेल के मामले में और कमोडिटीज के मामले में। आपने बिल्कुल अच्छा इशारा कर दिया कि उधर जो है वो जरूर ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे लिए जितने सकारात्मक है घरेलू स्तर पर बहुत सकारात्मक संकेत है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए संकेत थोड़े से सकारात्मक दिख नहीं रहे हैं। है। अब इन दोनों के बीच में किस तरीके से हम सामंजस्य बनाएं, या यूं कह लीजिए कि नकारात्मक पहलुओं को सकारात्मक पहलुओं पर करें, आपने जो चिंता जाहिर किया, सिर्फ एक लाइन का कमेंट ले पाऊंगा डॉक्टर चरण सर, क्योंकि समय जो है समाप्त हो रहा है। जो चिंता से शेयर कह रहे हैं उस पर सावधान रहने की जरूरत है, ज्यादा फिक्र की बात ही नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर सेम है, रशिया भी वही है और हमारे अंदर देश के अंदर इतनी अच्छी डिमांड है कि अगर बाहर एक्सपोर्ट हमें उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इंटरनल डिमांड हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। समय की कमी है फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरण सिंह जी आने के लिए स्टूडियो में, डॉक्टर रंजीत मेहता जी और शिशिर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में बिल्कुल फिलहाल सारे संकेत जो हैं वो सुनहरी तस्वीर पेश कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।